हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्की सिलाइट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही यूजफुल और बहुत ही आपका काम आने वाला चीज बताऊंगी, जो है कि ये हेडफोन जो आप लगाते हैं और इधर उधर पड़ा रहता है, तो ये आप इसको इस तरह इसके अंदर कवर करके और कहीं भी हैंगिंग कर सकते हैं। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारे इसे बनाने के लिए मैंने एक कागज का इस तरह टुकड़ा गोल कट कर लिया है। कोई भी आप कटोरी या प्लेट से इस तरह का नाप मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी नाप से हमने इस तरह उसके ऊपर रखकर, ये देखिए, ये दो टुकड़ा है हमारा, ये दो टुकड़ा है और ये दो टुकड़ा है, और ये फोम का भी हमें दो टुकड़ा लेना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप बकरम भी ले सकते हैं। अब हमें तीनों में से एक एक टुकड़ा हमें ले लेना है और हमें बीच से इस तरह कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मोड़ कर और इसे हमें कट कर लेना है बीच से। तीनों को हम इसी तरह कट कर लेते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी इसे लगाने में तो आप चाहें तो पहले आप तीनों को इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरह तीनों को ज्वाइंट करके चारों तरफ से चला ले और फिर बीच से कट कर ले। ये भी आप एक तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो इसे इस तरह भी कट करके फिर, लेकिन बार बार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसी तरह पहले हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह सिलाई कर लिया है चारों तरफ, इस तरह हमें गोल सर्कल करके इस तरह सिलाई कर लेना है। अब हम इस तरह बीच में इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह कट करके फिर से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब जो हमारा एक और पार्ट था उसे भी इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे फोम डालकर। ये देखिए, इस तरह बीच में फोम रखेंगे इस तरह, और गोल ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इसे इस तरह चैन को अटैच करना है। तो पहले हम इस तरह चैन को उल्टा रखेंगे और इस तरह हमें इस पे सिलाई करनी है, और उसके बाद ये आराम से पलट जाएगा। तो चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हमने चैन को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब हम दूसरा वाला लेंगे, इस तरह उल्टा रखेंगे इस तरह, और इसके ऊपर हमें सिलाई कर देना है। फिर ये पलट जाएगा हमारा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह हमने ज्वाइंट कर लिया और इसके ऊपर हमने सिलाई अटैच कर दिया, और ये जो बचा हुआ है इसे हमें कट कर देना है, और ये जो चैन के ऊपर भी थोड़ा सा हमें इस तरह सिलाई कर देना है, और बचे हुए जो चैन है इसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए, अब हमें थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर हमें कपड़ा लेना है। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर इतना हमें इस तरह निशान लगाएंगे, और 2 सेंटीमीटर हमें इस तरह चौड़ाई लेना है, और इस तरह हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, और इसे हमें पलट लेना है, जैसे हम डोरी में पलटते हैं उसी तरह। मैंने डोरी की, कैसे डोरी निकालते हैं, मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हम एक सुई लेंगे और इसे हमें इस तरह टांक लेना है, और ये देखिए, और इसको इसके अंदर डालकर इस तरह हमें निकाल लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो ये देखिए, अब मैं इस पे इसे रखूंगी इस तरह हमें रख लेना है, और यहाँ पर इस तरह अंदर की तरफ इसे रखेंगे, और ये वाले भाग को भी इस तरह रखेंगे इस तरह। अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमें इसे रखना है यहाँ पर, और इसे चारों तरफ से हमें सिलाई कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह अब हम मैंने सिल लिया। अब मैं थोड़ा सा इस तरह सभी पे कट कर देना है। तो ये देखिए, पॉचेस हमारा एकदम तैयार है। कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में, कि और बहुत ही यूजफुल है ये। आप देखिए, इस तरह आपका ईयरफोन जो है आपका इधर उधर रखा रहता है, तो आप इसमें उसको डाल दें इस तरह, और ये आपका सेफ रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह हम डालकर इसे चैन को इस तरह कवर कर देंगे और इसको सेफली कहीं पे रख देंगे, और देखने में भी अच्छा लगेगा, और आप इसे कहीं हैंगिंग भी कर सकते हैं इस तरह, और आराम से इसे निकाल ले, हैंगिंग करके आराम से इस तरह निकाले और फिर से इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूजफुल आने वाला चीज है, तो आप इसे जरूर बनाएं। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें, और बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूलें। तो इसी तरह नई नई वीडियो लेकर मैं आती रहूंगी आप लोग को। तो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो लेकर।